जो अभी तक का सबसे सस्ता स्मार्टफोन था वो था रियलमी C1। लेकिन अभी एक ऐसे लीक से पता चला कि शॉमी एक अपना नया एंट्री लेवल स्मार्टफोन लाने वाला है जो कि रियलमी C1 से भी सस्ता होगा, जिसमें आपको नॉच मिलेगा। तो आपको इसका प्राइस टाइटल से पता चल गया होगा, और हाँ, इस फ़ोन का नाम है रियलमी A1। तो चलिए आज का इस वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊँगा इसका इस पर फीचर क्या हो सकता है। अब इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ओके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशिर्वाद गोपाल। सो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इस स्मार्टफोन में आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये दिखने में हूबहू रियलमी C1 की तरह ही होने वाला है। जैसे कि आपको बताया, ये इमेज भी C1 का ही है। काफ़ी लोग इसी को घुमा रहे हैं और बोल रहे हैं कि यही है रियलमी A1 का इमेज करके। ऐसा नहीं है, ये रियलमी C1 का ही इमेज है, आप देख सकते हैं। और जैसे कि बात करें, इसमें आपको बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो इमेज है वो रियलमी 2 प्रो का है, ओके। सो ऐसे मैं किसी को गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, रियलमी A1 ऐसा दिखने में ऐसा होगा, लेकिन आपको उसमें वाटर ड्रॉप नॉच नहीं मिलेगा और फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा। जहाँ तक बात करें कैमरा की, तो जैसे कि सेम रियलमी C1 में था, 13+5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा यानी रेयर कैमरा और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा, तो सेम बोला जा रहा है कि इसमें भी ऐसा ही हो सकता है करके कैमरा। तो वो तो लॉन्च होगा तो पता चलेगा, लेकिन हाँ, बोल रहे हैं कि सेम होगा कैमरा और बैटरी भी, जो कि 4230 mAh की है। तो यार, एंट्री लेवल के हिसाब से ये दोनों फीचर काफ़ी है। लेकिन अब फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, फेस अनलॉक भी काफ़ी अच्छा काम करता है इस रियलमी फ़ोन का, ओके ओके। सो इस फ़ोन में दोनों में से कोई एक प्रोसेसर हो सकता है, MediaTek Helio A22 या फिर Snapdragon 430, दोनों में से एक हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इसमें Snapdragon 430 होगा। जैसे कि आपको पता है, जितने भी जो अभी स्मार्टफोन जो हिट हुआ है, जैसे कि आसूस जेनफोन लाइट L1, इसमें आपको 430 स्नैपड्रैगन मिलता था, जो कि काफ़ी हिट हुआ है ये स्मार्टफोन। तो मे भी थोड़ा बोल सकते हैं कि इसमें स्नैपड्रैगन 430 हो सकता है करके, ओके। सो आखिर जो स्मार्टफोन कंपनी है वो अपने कॉम्पिटिटर को देख के ही बनाती है स्मार्टफोन, तो वो तो लॉन्च होने से ही पता चलेगा। तो और जहाँ तक बात करें इसके ओवरव्यू लुक की और एक फीचर की, तो इसमें आपको एक और इसका OS मिलेगा, जो कि अगर OS 6 मिल सकता है, जो कि अभी फ़िलहाल लॉन्च नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लॉन्च होगा नेक्स्ट ईयर, तो ये भी फ़ोन लॉन्च होगा सीधा नेक्स्ट ईयर। तो अब दिन ही कितना बचा है दिसंबर ख़त्म होने के लिए, ओके ओके। सो बस ये था वीडियो, मैंने आपको स्पेसिफिकेशन इसका शेयर कर दिया कि क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड। तो बस यार, वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम आशिर्वाद गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।